Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. फौज वाले चले मैं इस पे कमेंट आपको कर ही दूं. अगर आप सियासतदान हैं और आप हुकूमत में बैठे हुए हैं और आप ये कहते हैं, एक्सक्यूज ये देते हैं कि मैं ये काम इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे फौज नहीं करने देती है, तो एक काम तो करने से फौज आपको नहीं रोक सकती ना, घर तो जा सकते हैं आप. आई एम सॉरी, आई डोंट एंड आई एम रिमेंबर, आई एम अ सिटिंग गवर्नमेंट राइट नाउ. अगर आप कभी सुने असद उमर से या इमरान खान से कि हम ये बड़े अच्छे काम करना चाहते थे लेकिन हम नहीं कर सके क्योंकि मैं फौज नहीं करने देती थी, खुदा का वास्ता आइंदा कभी ना वोट डालना. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो इधर यू विल ओन अप टू दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज और यू वोंट. अकबर वॉन्ट्स द आर्मी टू बी फिनिश टुमारो. आई डोंट थिंक दैट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ रिफॉर्म. ही इज एन इकोनॉमिस्ट, ही नो सीक्वेंस ऑफ रिफॉर्म इज क्रिटिकल. जो बात आप कर रहे हैं, इट गोज टू डोमेस्टिक पॉलिटिकल पॉलिसी, इट गोज टू फॉरेन पॉलिसी. आप उसको फिक्स करें. आपकी इस वक्त डोमेस्टिक पॉलिसी जो है वो इट क्रिएट्स कंडीशन, इट हैज क्रिएटेड कंडीशंस व्हिच हैज क्रिएटेड अ सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी थ्रेट. विद ड्यू रिस्पेक्ट, इस वक्त जो हम लाइफस्टाइल आज फॉलो कर रहे हैं, जो हमें बड़ा पसंद है एंड वी वॉन्ट टू फॉलो इट, अगर मेरे पास सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं होती तो मैं तो ओवररन हो चुका था. उस कंडीशन की क्रिएट होने के अंदर आर्मी का रोल जरूर है. To begin with the creation of those conditions, and the army should be rightly criticized for that, along with the politicians who were partners to it. But at this point in time, so fix your foreign policy. अब आप space की बात कर रहे थे, मैंने ये भी आपको जवाब दिया है कि our defence expenditure जो है, that also needs to be curtailed, security needs को पूरा करते हुए, because of the fiscal situation that you are in. India के साथ इमरान खान ने एक दफा नहीं, repeatedly reach out किया है. So, और बताइए, और कौन सा, ईरान अभी वो फ्लाई करके वहां पे चला गया था, कौन सा फॉरेन पॉलिसी मेजर है जिसको लेने से रोका जा रहा है इस वक्त, या आपके ख्याल में जो फॉरेन पॉलिसी मेजर स्टेप लेना चाहिए वो नहीं लिया. अब मोदी साहब को हम जूते मार के तो नहीं कह सकते कि यार बी सेंसिबल, यू आर द बिग प्लेयर इन द रीजन. अगर रीजन के अंदर पीस होगी, ट्रेड होगी और एक पीसफुल एनवायरमेंट क्रिएट होगा, तो प्रॉब्ली इंडिया विल बी द बिगेस्ट विनर. It is in the interest of Pakistan, it is in the interest of India, it is in the interest of all the citizens of this people.